लिए तैयारी भी कराते थे, पूरी ताकत लगाते थे कि बच्चों के किसी भी प्रकार परीक्षा में उच्च अंक हासिल हो और वो जीवन में प्रगति पथ पर अग्रसर हो। समाज कार्य विभाग ने अपने स्थापना काल से ही बहुत ही वरिष्ठ समाजशास्त्रियों का अपने पास में होना पाया है। मैं कह सकता हूं इस विभाग की स्थापना के समय राधा कमल मुखर्जी जी थे, जैसा कि हमें चर्चा के दौरान पता चला। फिर इसके बाद खिंदुका साहब, मिर्जा हसन साहब, आरबीएस वर्मा जी, पीडी मिश्रा जी, एन सिंह साहब, राजकुमार जी हमारे सामने, डीके सिंह साहब हमारे सामने बैठे। समाज कार्य विभाग को हम सोशियोलॉजी से अलग करके नहीं देख सकते। सोशियोलॉजी विभाग का भी अपना एक, जब हम लोग पढ़ते थे, एक जलवा होता था। यह हमें याद है आभा अवस्थी जी जैसा चाहती थी वैसा ही करती, सही है ना? आभा मैडम के सामने कोई खड़ा नहीं रहता था और उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया। लोगों को तल्लीनता से पढ़ाना, एडमिशन देना, हॉस्टल को चलाना, यूनिवर्सिटी में बच्चे आए तो उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करें, और पास में ही समाज कार्य विभाग में भी बराबर बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मिले, क्लासेज चले, लगातार